इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में शनिवार दोपहर को जिले के सैकड़ों किसानों ने जमकर नारेबाजी करते हुए गेहूं खरीदी और मूल्य वृद्धि की मांग की, जहां मौके पर पहुंची पुलिस और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले को शांत कराया। दरअसल इंदौर जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों से सैकड़ों क्विंटल गेहूं लेकर बेचने के लिए इंदौर की लक्ष्मीबाई नगर अनाज मंडी में पहुंचे किसानों में उस वक्त रोष उत्पन्न हो गया जब उनके गेहूं का मूल्य 1700 रुपये खरीदी के लिए तय हुआ। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कमल यादव ने इस दौरान अपने किसान साथियों के साथ मिलकर मंडी प्रांगण में जमकर नारेबाजी की। उन्होंने सरकार से मांग की है कि समर्थन मूल्य, इससे अधिक मूल्य में उनका गेहूं खरीदा जाए। उनका कहना है कि गेहूं उच्च क्वालिटी का है, किंतु उसका मूल्य काफ़ी कम किया जा रहा है। यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो भविष्य में बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। इंदौर से ब्यूरो राकेश सच्चर के साथ सतीश शर्मा की रिपोर्ट। अध्यक्ष कमल सिंह यादव यहाँ पर लक्ष्मी नगर मंडी में इंदौर में किसानों के साथ में खुलेआम लूटपाट सभी किसानों के सामने हो रही है। ना कोई मंडी प्रशासक, ना कोई सरकारी कर्मचारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसानों के हक में सुपर क्वालिटी का गेहूँ यहाँ पर 1700 रुपये में बिक रहा है, और बोलने जाते हैं तो बोलेंगे हम बंद कर देंगे खरीदना। ये मंडी की और मंडी व्यापारियों की मिली भगत से लक्ष्मी नगर मंडी में काम चल रहा है। बहुत दिनों से हम इसके चक्कर में दो तीन बार हड़ताल कर चुके हैं, लेकिन यह सुनने वाला कोई नहीं है। अभी कोई किसी अधिकारी से अभी मंडी प्रभारी जी से बात हुई है तो वो बोल रहे कि आपके भाव का मेरा इशू नहीं है, मैं आपकी मंडी चालू करवा सकता हूँ। तो भाव तो क्या 1600-1700 रुपए में किसान गेहूँ बेच देगा क्या? कम से एमएसपी पे किसान का गेहूँ बिकना चाहिए, एमएसपी पे बिकना चाहिए कि नहीं बिकना चाहिए? बिकना चाहिए। और यहाँ पर 1600 रुपए में बिकना तो यहाँ के किसान का क्या? प्रदर्शन नहीं, हम तो हमारी वाजिब दाम के लिए यहाँ लड़ रहे हैं क्या गेहूँ का सही साठ दाम मिले हमें। हम कोई प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। हम पूरा इंदौर जिले से किसान है, एक एक दो दो ट्राली हर किसान की यहाँ। कल ओले गिरे है और मुसीबत में गेहूँ खेत पे पड़े, इसलिए हम लेके मंडी आए हैं। अगर प्रशासन ने आपकी बात नहीं मानी तो आगे क्या करेंगे? यह प्रशासन अगर नहीं मानेगा बात तो लक्ष्मी नगर मंडी में बड़ा आंदोलन होगा भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले। आपका परिचय? मेरा नाम कमल सिंह यादव, भारतीय किसान यूनियन जिला अध्यक्ष इंदौर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।